नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। पिटूर थाना क्षेत्र के मंदना नारामऊ स्थित वैष्णो देवी मंदिर के निकट हाईवे पार कर रहे युवक की कार के टक्कर लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी। आपको बता दें, बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारामऊ होरा गांव निवासी अजय कुमार सड़क पार कर रहा था, तभी चौबेपुर की तरफ से आ रही कार ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर मौत हो गई। कार सवार ने जैसे ही कार रोकी तो ग्रामीणों ने कार को घेर लिया और गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस को जानकारी होने से पहले ही ग्रामीणों ने हाईवे पर शव को रखकर पत्थरबाजी करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पिटूर पुलिस ने बवाल की स्थिति को देखते हुए कई थानों के पुलिस को मौके पर बुला लिया। घटना की जानकारी होते ही एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे मौके पर पहुंच गए। एसीपी ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। परिजनों को सहायता राशि दी गई और चौबेपुर थाना प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने मृतक की पुत्री की पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लिया। तब जाकर जाम समाप्त हुआ।